हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जनरली हमने देखा है कि हम प्लास्टर तो घर पे करते हैं और इस लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा इतना एरिया में प्लास्टर करने में कितना सीमेंट और कितना मोर्टार यूज़ होगा, कितना खर्चा आएगा, कितना कैलकुलेशन होगा। इसलिए आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे हम जनरली 100 स्क्वायर मीटर का हमारा प्लास्टर का एरिया है, 12 एम थिकनेस है और 1.6 रेशियो का हम प्लास्टर करने वाले हैं। तो सपोज़ देखे हमारा थंब रूल फॉर्मूला है तो वॉल्यूम इक्वल टू हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं 100 × 112/1000 = 1.2 क्यूबिक मीटर। इसमें हमें 30% बल्किंग ऑफ सैंड यूज़ करना है तो इसके हिसाब से हमारा 0.06 क्यूबिक मीटर ऐड करना होगा हमें वॉल्यूम में। एंड उसके बाद 25% हमें जॉइंट एंड वेस्टेज का यूज़ ऐड करना है, 0.312 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। इसको भी हमें 1.2 में ऐड करना, टोटल हम इसको करेंगे तो 1.872 क्यूबिक मीटर हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इसमें हमारा। तो वॉल्यूम ऑफ फुट और आपको इस तरीके से निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा सीमेंट हम कैसे निकालें। तो जो हमारा एक वॉल्यूम आया 0.267 × 30 बैग, इसमें कर देंगे तो हमारा 8 बैग हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा एक बैग 50 केजी का होता है। और हम इसको अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 401 केजी हमारा 100 स्क्वायर मीटर के लिए आ जाएगा। इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 स्क्वायर मीटर तो 4 केजी हमारा आ जाएगा, या फिर हमारा क्यूबिक मीटर में देखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं सैंड को। तो सैंड के लिए हम सेम फार्मूला है, तो हमारा 1 पार्ट सीमेंट था 6 पार्ट, तो 0.2674 × 6 कर देंगे तो हमारा 1.6 क्यूबिक मीटर के आसपास हमारा 100 स्क्वायर मीटर लिया गया। और इसके लिए 1 स्क्वायर मीटर लिया जाएगा हमारा 0.16 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों वीडियो एकदम प्रॉपर है और सेम कैलकुलेशन आप लोगों को भी करना है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन पे कर लीजिए ताकि मेरी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिल सके।